प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए देश और राज्यों के कई विभाग उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश से लगभग 6000 विशेष अतिथियों को केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली आमंत्रित किया है। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक की ग्राम पंचायत मरखोड़ा की ग्राम प्रधान मनीषा बहुगुड़ा को भी आमंत्रण मिला है। वो ग्राम पंचायत में मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। मनीषा गांव में 60 से अधिक ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दे चुकी हैं। गांव की 25 महिलाओं को प्रधान द्वारा सिलाई प्रशिक्षण भी दिलाया गया है, जो अब सिलाई सेंटर चलाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। ये 2019 से जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जब से मैं प्रधान बनी हूँ, और उसके बाद जो है जब लॉकडाउन लग गया था तो ग्राम पंचायत में जो है, क्योंकि सारे काम हमारे बिल्कुल बंद हो गए थे, तो उसके बाद जो है मैंने अपनी ग्राम पंचायत में, क्योंकि मेरा उससे पहले जो है मैं भी आईटी क्षेत्र में थी, कंप्यूटर सेंटर था मेरा श्रीनगर में, तो वहां से भी जो है मैंने कंप्यूटर लेकर के या अपनी पंचायत निधि से कुछ धन लेकर के और अपनी ग्राम पंचायत में जो है कंप्यूटर लैब खोली, और उसके बाद जो है महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण वहां पे खोला मैंने। उसके बाद जो है वहां पे मेरे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वहां पे लॉकडाउन के टाइम पे जो है काफी बच्चों ने, लगभग 100 से ऊपर जो है बच्चों ने वहां पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया, और जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड नहीं थे या महिलाएं जिनको जो है सिलाई करनी थी उनके लिए जो है मैंने ग्राम पंचायत में जो है सिलाई सेंटर खोला, और जो हमें जो है जो मानदेय दिया जाता था हमें 1500 रुपए, उस मानदेय को जो है मैं अपनी ग्राम पंचायत में उनको देती थी जहाँ पे जो सिलाई सिखाते थे। वहीं उत्तरकाशी के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ANM पूजा राणा को भी नई दिल्ली में आयोजित हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह का आमंत्रण मिला है। उन्होंने बताया कि ये उनके लिए गौरव का क्षण है, इसके लिए वो अपने विभाग और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। मेरा चयन अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के आधार पर हुआ है। लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य प्राप्ति, जोखिम समूह वाली गर्भवती माताओं का ससमय संदर्भित फॉलो अप एवं सुरक्षित प्रसव करवाना एवं अपने स्वयं के स्तर से उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाना, अधिकतम वैक्सीन सेशन कंडक्ट करना, गर्भवती शीघ्र पंजीकरण आदि, लक्ष्य प्राप्ति करना एवं ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा एंट्री करना तथा 10,000 की जनसंख्या वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपकेंद्र में विगत 14 वर्षों से निरंतर सेवा देने के आधार पर हुआ है।